नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश, आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नो माइंड चैनल को। दोस्तों, वीवो ने एक अपना नया फोन लॉन्च कर दिया है इंडिया में, वीवो वाई 91 के नाम से, जो कि काफी अच्छे प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है और काफी अच्छे फीचर भी आपको इस फोन में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, लगभग इसी प्राइस में एक और फोन है इंडिया में काफी धूम मचा रहा है, जो कि रियलमी का है, रियलमी U1। काफी लोग उसे पसंद कर रहे हैं और काफी कमाल का दोस्तों फोन भी है। तो आज के वीडियो में दोनों फोन का कंपेरिजन करेंगे, रियलमी U1 और वीवो वाई 91 से, और बताएंगे कि दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा फोन रहेगा आपके लिए बेस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोन के डिजाइन और डिस्प्ले की। तो वीवो वाई 91 का डिजाइन बैक साइड में काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ग्रेडियंट कलर में आएगा, जो कि फोन का लुक काफी बढ़ाता है। और इस फोन में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं रियलमी U1 की, तो इसका भी डिजाइन बैक साइड में काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ग्लास जैसा बिल्कुल फील होगा, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा पॉलीकार्बोनेट की बॉडी। और इस फोन में भी आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और दोनों ही फोन में आपको फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप का नॉच देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो वीवो वाई 91 में आपको 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इस फोन में आपको फुल HD का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं बात करते हैं रियलमी U1 की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, प्लस में इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छी बात है, अगर आपका फोन गलती से गिर भी जाता है तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। बात करते हैं अब दोनों फोन के कैमरा की, तो वीवो वाई 91 में आपको देखने को मिलेगा 13+2 MP का बैक कैमरा, जो 13 MP का कैमरा रहेगा इसका अपर्चर 2.2 रहेगा। वहीं बात करते हैं रियलमी U1 की, तो इसमें भी आपको 13+2 MP का बैक कैमरा देखने को मिलेगा, इसका भी जो 13 MP का कैमरा इसका अपर्चर 2.2 देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि बैक साइड में दोनों फोन का कैमरा बराबर रहने वाला है। फ्रंट साइड में कैमरा की बात करें तो वीवो वाई 91 में आपको देखने को मिलेगा 8 MP का कैमरा, जो कि अपर्चर 1.8 के साथ में आता है, तो काफी कमाल का लो लाइट में आपको पिक्चर देखने को मिलेगा वीवो वाई 91 में। वहीं रियलमी U1 में आपको देखने को मिलेगा 25 MP का सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर 2.0 रहेगा। तो कह सकते हैं कि सेल्फी में काफी आगे रहेगा, यहां पे रियलमी U1 सेल्फी किलर है, बिल्कुल रियलमी U1 काफी कमाल का धांसू पिक्चर इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं हम दोनों फोन की प्रोसेसर की, तो यहां पे वीवो वाई 91 में आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का हेलियो P22 प्रोसेसर, जो कि ओक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 GHz पे रन करता है, जबकि रियलमी U1 में आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का हेलियो P70 प्रोसेसर, जो कि 2.1 GHz पे रन करता है, जिसका GPU रहेगा माली का G72 GPU। तो काफी कमाल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा रियलमी U1 में। जी दोस्तों, अगर यहां पे बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो काफी आगे रहेगा यहां पे रियलमी U1। अब बात करते हैं दोनों फोन की रैम और स्टोरेज की, तो रियलमी U1 में आपको देखने को मिलेगा 2 वेरिएंट, जो कि 3 GB रैम के साथ में आपको 32 GB मेमोरी मिलेगी, और जो सेकंड वेरिएंट है 4 GB रैम के साथ में आपको 64 GB मेमोरी देखने को मिलेगी। बात करते हैं वीवो वाई 91 की, तो इसमें आपको सिंगल ही ब्रांड देखने को मिलेगा, जो कि 2 GB रैम के साथ में आपको 32 GB मेमोरी मिलेगी। दोनों ही फोन एंड्रॉइड के 8.1 ओरियो पे काम करेंगे। अगर बैटरी की बात करते हैं, तो रियलमी U1 में आपको देखने को मिलेगा 35 mAh की बैटरी, जबकि वीवो वाई 91 में आपको देखने को मिलेगा 4030 mAh की बैटरी। तो बैटरी में कह सकते हैं कि थोड़ी सी आपको ज्यादा बैकअप मिलेगी वीवो के वाई 91 में। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन की प्राइस की, तो वीवो वाई 91 का जो प्राइस रखा गया है आपको 11,990 रुपये इसका ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन आपको डिस्काउंट में आपको 10,990 रुपये में देखने को मिलेगा। बात करते हैं रियलमी U1 की, तो इसमें आपको जो पहला वेरिएंट है 3 GB रैम 32 GB मेमोरी, इसका प्राइस आपको 11,990 रुपये देखने को मिलेगा, और जो सेकंड वेरिएंट है 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी, इसका प्राइस आपको 14,499 रुपये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप एक सेल्फी किलर फोन ढूंढ रहे हैं, आपको एक सेल्फी वाला अच्छा फोन चाहिए, तो आप रियलमी U1 को ले सकते हैं, काफी कमाल का फोन है, उसका प्रोसेसर भी काफी आपको तगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक वीवो का ब्रांड चाहिए, आप अगर वीवो के फैन हैं, तो वीवो का ये फोन काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखेंगे कि आपको सिर्फ 8 MP का फ्रंट कैमरा मिला है, लेकिन इसमें आपको कई तरह के फीचर देखने को मिलेंगे। इसके कैमरा में काफी AI टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, तो इसका भी कैमरा काफी आपको फ्रंट साइड में अच्छा देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन मैं बात करूंगी दोनों में से एक ही कौन सा फोन लिया जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि रियलमी U1 आप ले सकते हैं, काफी अच्छा फोन है, इसमें काफी अच्छे प्रोसेसर भी मिलेंगे, काफी अच्छा आपको कैमरा भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल की मैं बात करूं तो यहाँ पे रियलमी U1 बिल्कुल बेस्ट है। वैसे आपको क्या लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्मार्टफोन की कोई भी अपडेट सबसे पहले लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।